हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों का इनवैलिड रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ही समस्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोग कैसे अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, पर कुछ दोस्तों का रिजल्ट अभी भी नहीं दिखा रहा है, इनवैलिड ही दिखा रहा है। तो इसके लिए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो उनके कमेंट का मैंने रिप्लाई भी दिया है। कुछ लोग दोस्तों को सही भी आ गया तो उनको मैंने मेल भी कर दिया। तो दोस्तों आज मैं जो लाया हूँ वो समस्या दूर करने के तरीका लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मिल जाए, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन। अब इन 2 दिनों के अंदर ही आप लोग को अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड इशू ना हो और आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग जब भी अपना रजिस्ट्रेशन चेक करने जा रहे हैं तो हमें इनवैलिड रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आप लोगों को पहले कंफर्म होना होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो पूरी तरह से कन्फर्म है या नहीं। आपने जो एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेशन आपने प्रिंट आउट लिया है कि नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने एप्लीकेशन से। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है, मैंने बेंगलुरु से फिलअप किया है। यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है और यहाँ पर ईमेल आईडी है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपके पास एडमिट का एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है तो इससे आप लोग कन्फर्म है कि आप लोग का इसी से फिलअप किया हुआ था। अगर ये आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप लोग का जरूर कुछ न कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, इसी कन्फ्यूजन की वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले अपने सभी चीज़ों को चेक कर लीजिए कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। अगर आपके पास ये प्रिंट आउट एप्लीकेशन है तो आपका डेटा पूरी तरह से सही है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका तरीका मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास सब कुछ सही है तो आप पहले क्या कीजिएगा, आप फिर से अपने एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर जाकर के पुट कीजिएगा। जैसा कि मैंने अपने एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर को पुट किया, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद जैसे ही कैप्चा देकर के मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के साथ साथ मुझे एक नया पेज देखने को मिला और इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं पहले ही लॉग आउट का एक बटन दिखेगा और ठीक उसके नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, की विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको उसके साथ ही साथ देखिए आप लोग का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के जैसे ही आप लोग का जो रीज़न होगा उस रीज़न पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोलकाता रीज़न ले लेता हूँ, कोलकाता से बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया है तो वहाँ से कंप्लेन आने की वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ कोलकाता रीजन। तो कोलकाता रीजन का वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगा। तो इस पेज को आप लोग जैसे जैसे स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा, कोलकाता के ओरिजिनल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं rrbkolkata.gov.in। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में अनाउंसमेंट एंड नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों को एक कॉलम मिलेगा जहाँ पर आप लोग को हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल करके अपने कंडीशंस, जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन का बात कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है, ये नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। दूसरा बनता है देखिए दोस्तों इलाहाबाद रीजन। अब मैं इलाहाबाद रीजन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा इंपॉर्टेंट लिंक पर। जैसे इंपॉर्टेंट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सेकेंड पेज देखने को मिलेगा और इस सेकेंड पेज में आप लोग को इलाहाबाद के ईमेल आईडी का पता चल जाएगा जो कि चेयरमैन का है। तो इस तरह से आप उस ईमेल पर ईमेल करके अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सारे रीजन्स को सेलेक्ट करके, जिसका जो रीज़न बनेगा उस रीज़न को सेलेक्ट करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। दोस्तों देखिए टाइम तो बहुत कम है, इस हिसाब से आप लोग को जल्दी काम करना होगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप ईमेल करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आने में हो सकता है 1 दिन का टाइम लग जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके एप्लीकेशन कर दीजिए। जिसके पास अगर फ़ोन नंबर का अवेलेबल मिल जाता है हेल्प डेस्क में तो आप लोग वहाँ से कॉल करके भी बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी, और आप लोगों का जो भी रीज़न होगा उस रीज़न को क्लिक करने के बाद आप लोग उस वहाँ पर हेल्प डेस्क ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग हेल्पलाइन नंबर वहाँ से निकाल लीजिए और उस पर कॉल करके अथवा ईमेल करके अपने स्टेटस के बारे में जानकारी ले लें, और यदि कोई कंप्लेन है तो आप उस कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज कराएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर एक बार नए अपडेट के साथ चला आऊँगा जिससे कि आप लोगों को सारे अपडेट्स प्राप्त होते हों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए दिस इज दिलीप साव, शाइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।